नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों के साथ। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ आपको बता दें, डीएम और एसएसपी नागरिकता संशोधन अधिनियम के लिए जनपद में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारी पुलिस काफिले के साथ रवाना हो गए हैं और उन्होंने जनपद के विभिन्न स्थानों पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपील भी की है और आम जनमानस से अनुरोध किया है कि जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी प्रकार की अफवाह व उन्माद फैलाने वाले के बारे में तत्काल 112 नंबर या फिर संबंधित थाना प्रभारी को सूचित करें। असामाजिक तत्वों द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि वर्तमान में यहाँ रह रहे भारतीय नागरिकों को भी अपना पहचान पत्र देना पड़ेगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। यह विधेयक आसपास के 3 देशों के सिर्फ अल्पसंख्यक लोगों के लिए है। इससे यहाँ रह रहे वर्तमान नागरिकों पर कुछ भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इन भ्रांतियों पर ना जाएं और ऐसी अफवाह फैला रहे लोगों के बारे में प्रशासन को सूचना दें ताकि हम कानून व्यवस्था मुस्तैद रखने के लिए ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकें। सिद्धार्थनगर में 7 दिवसीय कपिल वस्तु महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में केंद्र सरकार के राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे। आपको बता दें, डुमरियागंज लोकसभा से सांसद जगदम्बिका पाल ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। महोत्सव में स्कूली छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथि का स्वागत किया। इसके साथ ही केंद्र राज्य मंत्री ने मंच से सांसद, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की सराहना भी की और साथ ही CAA और NRC विरोध के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। नागरिकों को मैं देखता हूं जो पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना से आए, बहुत नारकीय जीवन जी रहे हैं, उनको नागरिकता नहीं मिली है। मैं जब पाल साहब और हम 15वीं लोकसभा में थे तो मेरा तो एक प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन ये जो विरोध हिंसा जो हो रही है इसको मैं प्रायोजित मानता हूँ और कोई विषय नहीं है। देखिए, ना आर्टिकल 14 का इसमें उल्लंघन है, क्योंकि रीजनेबल क्लासिफिकेशन करने का अधिकार सरकार को है और पहले भी उगाड़ना से जब नागरिक आए थे तब किया था। इसलिए आज अमित शाह जी ने भी कल भी स्पष्ट किया कि यहाँ के जो मूल नागरिक है, चाहे किसी भी धर्म के हो, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। रामपुर क्राइम ब्रांच ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है और हत्या आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, हत्या का कारण अवैध संबंधों को बताया गया है। तो वहीं इस सनसनी वारदात को 9/11/2019 को अंजाम दिया गया था, जिसमें हत्या आरोपी पति पत्नी ने अपने ही सगे भाई आनंद कुमार और उसके बेटे शिवम को मौत के घाट उतार दिया था। एक डबल मर्डर हुआ था राजा टेक्सटाइल की कॉलोनी। इसके बादी ने, जो मृतक का भाई है, उसने अभियोग पंजीकृत कराया था। घटनास्थल निरीक्षण के समय से ही इसके द्वारा कुछ ऐसी बातें पुलिस की टीमें जब जब गई या अधिकारीगण जब जब गए तो कुछ बातें ऐसी कही गई जिससे संदेह की सुई सब तरफ से घूमने के बाद यही आती थी। सारा कुछ जो आधुनिक सिस्टम है, सर्विलांस वगैरह, फरुखाबाद में बीते 8 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे लेखपालों पर शासन के निर्देश पर आखिर जिला प्रशासन ने कार्यवाही कर ही दी, जिसके तहत जिला अध्यक्ष और जिला मंत्री सहित 8 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें, विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर लेखपाल बीते कई दिनों से कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जिलों की 3 तहसील के लेखपाल शामिल हैं। बिजनौर में बंद और प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने असामाजिक तत्वों की तलाश करते हुए घरों में दबिश देकर कई लोगों को हिरासत में लिया है। इसी दौरान पूरी रात बाहर से आने वाले लोगों की तलाशी भी हुई और चेकिंग भी की गई।
आपको बता दें, आज जुमे की नमाज के बाद होने वाले किसी भी प्रदर्शन ध्यान में रखते हुए बिजनौर पुलिस पूरी तरह सतर्क है और बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जिले में पहुंच गई है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी गई है। जिन लोगों पर किसी भी तरह का कोई संदेह हुआ है उनको रात में ही पुलिस ने घरों में दबिश देकर उठा लिया है। पुलिस के अनुसार कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं, इसी क्रम में कई लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है, चेकिंग कराई जा रही है और किसी ने अगर कानून व्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की तो चौराहे पे पीट करके उसको बंद किया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिस स्तर का बल प्रयोग करने की आवश्यकता होगी उस स्तर का बल प्रयोग किया जाएगा। कल की क्या तैयारी है? कल पूरी हमारी तैयारी है, पूरी जोन स्कीम सेक्टर स्कीम लागू है जनपद में, सभी जगह पे हमारे महत्वपूर्ण जगहों पे ड्यूटियां लगी हुई हैं, हमारी क्यूरिटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप जानने के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।